नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। दिल्ली एक दरबार में बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। 21 शताब्दी चल रही है, फिर भी 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं कि लकड़ी के जरिए यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बीजेपी के सांसद गोपाल सेट्टी, जबकि विधायक शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े 5 सालों में इन गरीब जनता तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में चुनाव आ चुका है और प्रचार एड़ी चोटी का जोर सारी राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई गोराई के इस गांव से जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। इस गांव में न तो पीने के लिए पानी है, न तो यहाँ पर लाइट है, नहीं स्कूल है, नहीं हॉस्पिटल है। बात करें तो लगभग 80 से 90 साल हो गया, 4 पीढ़ियां इनकी यहाँ गुजर गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सहित यहाँ के राजनेता इन गरीब जनता पर कभी ध्यान नहीं दिए। अब चुनाव आ गया है, उनके वादे भी आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मन में चल रहा है। 2019 का चुनाव आ चुका है, राजनेता प्रचार के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, माझं नाव सुषमा दवडे, मी याच पाड्यामध्ये राहते। जी, क्या तकलीफ है यहाँ पर, क्या समस्या है आप लोगों को? आम्हाला इथे पाण्याचा, लाईटीचा, परत घरपट्ट्या नाही आहेत, बालवाड्या आहेत त्या बंद आहेत, सगळे अनेक प्रश्न आहेत या पाड्यामध्ये, अजूनपर्यंत प्रगती नाही। देश की करोड़ों जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आप हिंदी में बताएं कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, लाइट या पानी की क्या क्या समस्याएं हैं? आपसे पढ़ात ना स्कूल है न खाए, हिंदी में बोलिए। जी, हिंदी में। हमारे गांव में नहीं स्कूल है, नहीं लाइट, नहीं कुछ, पानी भी नहीं। अभी इतने साल हो गए, पीढ़ी पीढ़ी गए, अभी तक कोई आया ही नहीं। आते थे, जाते थे, कोई आश्वासन देते थे, लेकिन कोई काम नहीं होता था। जब से मनसे वाले आए तभी से अभी हमारा काम थोड़ा शुरू हो गया है और हम लोग सब सुखी है थोड़ा। आपसे जानना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग अपने बच्चियों को कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारे ही खर्चे से। अभी हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे इतने दूर स्कूल में जाते हैं, मनोरी में बस से जाते हैं, कभी बस बंद होती तो रात को 8-9 बजे चलते आते हैं मनोरी से, क्योंकि कुछ सुविधा ही नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे पहली वाले। बारिश की जब स्थिति होती है तो क्या हालात होते हैं यहाँ के? ऐसे ही कुछ नहीं, रेनकोट नहीं, बस में कुछ नहीं, ऐसे ही जाते हैं बारिश में भीगते। तो आपको बता दें, उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, राजनेता चुनाव के दरमियान वादा करने में कोई कमी नहीं रखते हैं, हर एक वादा वो कर देते हैं ताकि जनता उन्हें उनका मत दे और वो फिर से राज कर सके। आपको बता दें कि यह खबर सुनने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के सांसद गोपाल सेट्टी है, लेकिन अगर बात करें तो 5 सालों में इन इलाकों में कभी उनका दौरा नहीं हुआ। आज भी लोग एक एक बूथ पानी के लिए दर बदर की ठोकर खाते हैं। वो तो अच्छा है कि समाज सेवक और एनजीओ के जरिए समय समय से इन्हें मदद मिल जाती है, नहीं तो कुछ लोग तो भूख और प्यास से ही जिंदगी छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक युवक है, क्या नाम है आपका? दिलीप। मेरा नाम, जोर से बोलिए जरा। दिलीप शंकर कोंगे। क्या करते हैं आप? आप गार्डन में काम करते हैं। गार्डन में काम करते हैं, क्यों आप स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं किए? सुविधा ही नहीं है हम लोग को जाने के लिए यहाँ से, तो अभी तो रास्ता भी नहीं ठीक से था, कुछ नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही पैदल इतने लंबे जाते थे चलते, हमारी परिस्थिति वैसी है, जाने के लिए पैसा भी नहीं, तो हम लोग उधर गोराई तलक चल के जाते थे स्कूल में। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौजवान हमारे देश की शान है और इन्हीं शान के बदौलत देश को तरक्की पर ले जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरों खुद देख ले कि मुंबई के नौजवान गार्डन में नौकरी करने के लिए मजबूर है। सरकार एक के बाद एक वादे करती है, लेकिन ये कहानी सुनकर सच्चाई आप खुद समझ गए होंगे। मुंबई से सुबोध कवटकर के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। সেই যে চেনা মায়ের স্নেহ, যত্ন চেনা চেনা, ভালোবাসার চেনা শব্দে বিশ্বাস চেনা চেনা, খাটি সেই চেনা স্বাদ, খুশি চেনা চেনা, প্রতি স্বাদে পুষ্টির ছোঁয়া, নাম দিয়ে যায় চেনা, নতুন রূপে ভাগীরথী, আজও গুণ দিয়ে যায় চেনা। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার, গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ, মারণ সেন্সেশন, রূপশ্রীতেও পাশে আছে
আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। শেষ 11 বছর ধরে আমি ভোটার। আমি প্রায়ই ভাবতাম, যদি নিজের ভোট নিজেই পরীক্ষা করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। আমার ভোট কিভাবে গোনা হয়, যা প্রমাণ করে দেবে আমারই পছন্দ করা প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি আমি। ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহার করে কিভাবে ভোট দেবেন? প্রথম ধাপ, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করুন। আপনি ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশ করলে প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট ইউনিট কার্যক্ষম করবেন। ইভিএম এর উপর জ্বলে থাকা সবুজ আলো জানাবে যে ভোটিং যন্ত্র ভোট নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। দ্বিতীয় ধাপ, ভোট দান করুন। ব্যালট ইউনিটে আপনার পছন্দের প্রার্থীর নাম ও চিহ্নের পাশে থাকা নীল বোতামটি টিপুন। তৃতীয় ধাপ, কাগজের চিরকুটে ছাপ দেখুন। ভিভিপ্যাটের স্বচ্ছ স্ক্রিনটি দেখুন। কাগজের টুকরোটিতে প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা, নাম ও চিহ্ন ফুটে উঠবে। ছাপযুক্ত কাগজের টুকরোটি 7 সেকেন্ড অবধি দেখা যাবে, পরে সেটি ভিভিপ্যাটের জন্য নির্দিষ্ট একটি সিল বন্ধ অংশের ভিতর ঢুকে যাবে। এসে গেছে ভিভিপ্যাট। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़। बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।